भक्तिर फल भक्तिर मूल अविनाशी ज्ञान धन ज्ञानी लोके दिव्य बुद्धि प्रकटई महकई तनु मन लवणी जैसने मिली पाए से करिले दधि मंथन शांति विराजई मन सरोवरे करिले ज्ञान मंथन ओम शांति ज्ञान मंथन कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत दर्शक बंधु गत अध्याय आम भौणी शुणी भगवान को आम केमती सहजरे मन पक आम जिते मन पकवाक चेष्टा करूचे से मन शहे मिनिट्रु नबे मिनिट इड सियाड जदि बुला दस मिनिट भगवान को मन पकला तेणु भौणी आमको दीटी आधार कही जो आधार द्वारा आम भगवान को सहजरे मन पक आउ जो दुईटी आधार अच्छी से आधार विषय आसतु आम आज तुम्हारे शुणा ओम शांति भौणी ओम शांति भौणी आपण आमको दुईटी आधार कही प्रकृत भी आप जो आम दर्शक मानक कहले आम दर्शक मानक जो प्रश्न मोर मध्य से प्रश्न थी जे 90% टाइम आम भगवान को मन पकई पारे जदि बा आम बसुचे आपण जिते घंटी बजात धूप दिंतु जहाँ भी करूँ मन किंतु 90% समय अलग आड़े बुलू 10% समय भगवान को आम मन पकई पारे तेणु आपण जो दीटी आमको कही आधार गोटे है परिचय आ गोटे है संबंध से विषय दर्शक मैंने जानते आउ जो जोड़िए आधार आपण स्नेह आ प्राप्ति से विषय आज आप दर्शक मान कहते आम चर्चा करूँ आम सर्वसंबंध में निजक भगवान सहित जोड़ी पारिबा जमती मीराबाई भगवान को स्वामी रूप से देखुले से जुआडे देखिले कृष्ण ही देखा जाऊले कारण से भगवान को से संबंध में बहुत गभीर भाव अनुभव कर पारे सती अनुसुईया से भगवान को पुत्र रूप भगवान जो संबंध रही प्रकार संबंध से भगवान को स्वामी रूप से स्वीकार करुले तेणु से प्रति मुहूर्त कृष्ण स्वामी रूप से ही नजर आसुले माने चारिआड़े जीवाड़ मध्य देखिले तांको कृष्ण ही कृष्ण ही केवल देखा जाउथिले सती अनुसुईया से भगवान को पुत्र रूप से स्वीकार करथिले तनु पुओ रूप से भगवान को भल पाउथिले और भगवान को उपस्थिति को प्रति मुहूर्त अनुभव करि पारथिले सेमति जे कोनो से संबंध आमे जदि डीपली भगवान को सहित जोडीबा ताहेले आमे भगवान को अति निकट रे अनुभव करि पारिबा आमे जदि भौणी महाभारत को जीवा ताहेले आमे अर्जुन आउ श्री कृष्ण को भीतर जो संपर्क जो संबंध संबंध स्नेह समाहित भूलिबा को चाहिले भी भूली पारिबानी जोठी संबंध सेठी स्नेह भी अछि ना संबंध टा जेते गभीर जेते निबिड स्नेह टा भी सेतिके गभीर तेनु मने पकेबा सेतिके डिफिकल्ट हेजिबो मने पकेबा मुश्किल नुह भूलिबा टा बरम मुश्किल है जीव आज्ञा तेणु तृतीय आधार आम कथा तृतीय आधार हूँ स्नेह जी भगवान को जी बेस भल पाए सी से भल जोगी हो पारे आम साधारण भाव भी क्या भल पाती जिते बेले आम कौ लोक भितर कौन गोटे विशेषत्व देखती क्वालिटी देखती भल गुण देखती से ऑटोमेटिकली आम से व्यक्ति आमको भल लगती आमे जदि सब बेले जणे लोकर भल गुण को आमे देखिले ताले ऑटोमेटिकली आमे कहिबा जे मु से व्यक्ति को भल पाए बा से मते भल लागंती तेनो जोठी जो व्यक्ति जहा को भल लागे से व्यक्ति ही ताको स्वाभाविक भाव रे मने पड़े आ जेते बेले भल पाइबाटा अति अधिक हो जाए सेते बेले आमे से व्यक्तिर स्मृति रे निजो को हजेई दियंती मु मोर भौणी को मो बड़ भौणी को बहुत भल पाए आउ किछि गोटे एमती इंसिडेंट है जोटी मु मो भौणी सहित जाइथिली बुलिबा पे गोटे जागा को
आमे पांच दिन काल बहुत सुंदर गोटे यात्रा करके आसी आरोप हठात आज से घटना मन पड़गला मु बसिकी से घटना को मन पकाउ मोर भौणी मो आखि आगे नाची जाऊँच मु बस मन पकाच मो भौणी सांगे एमती जामती कथी एमती खेलु एमती बुलू एमती कलु कलु तो मुझे सीन गुड़ाक मो आखि आगे नाची जाऊँच मो आखिरे मो भौणी सहित बीते पांच दिन नाची उठुची आमृति एत हजि जा जे से समय रे मो पाखरे बसिथिबा व्यक्ति उठी के केते बेले चली गले नी मते जणा नाही मते केही जणे किछि कहिबा पई आसे कि मो पाखरे ठिया हे सरलेनी मु से भी जानी पारे नी स्मृति रे विभोर जाको कोन दिया जोटा को आमी कहू छे जे मे हजी जाय छे काको मने पके पके आमी हजी जाय छे तनो जत्ते बेले जत्ते की भलो मु मो भौणी को पाउ छे आ मो भौणी को मने पके के हजी जाय छे बोले सत्ति की भलो भगवान को पाईबी भगवान को मन पक हजी जे कौनसी प्रकार डिस्ट्रैक्शन मते डिस्ट्रैक्ट करी परिबो नहीं ए कौनसी पंचतत्व दुनिया रा कौनसी आकर्षण मते ताड़ को आकर्षित करी परिबो नहीं किंतु जेहेतु आमे भगवान को सेति की भलो पाइने सेति पे आम को भगवान को मन पकेबा मुश्किल लागुची आम जो भगवान को मन पकेबा बसुचे आमर जेहेतु मन आग्रह आउरी बहुत उड़ी जगह अच्छी तेणु जो जो जगह आग्रह अच्छी मन से जगह को चली जाऊँगी आमको बुझाक पड़ो मन जाए कड़े मन सियाड़े जाए जो मनर इंटरेस्ट अच्छी मु दुकान को जाइड करके मोर गोटे बैगणी रंगर शाढ़ी किणवार अच्छे शोरूम बहुत गुड़िए शाढ़ी डिस्प्ले कराई मो टार्गेट नहीं जाए जे मते अन्य कोनोसे साड़ी आनिबार नै गोटिए ही साड़ी आनिबार छै ओ सेटा को रंगर बाईगणी रंगर तो मो तले जाउ छै शोरूम रे विभिन्न साड़ी ऊपर मो नजर पडु छै हळदिया छै नाली छै धळा छै सब रंगर साड़ी अछि तो जो भी रंगर साड़ी ऊपर मो नजर पडु छै सेटा बाईगणी नै तले कोन हो छै मो दृष्टिटा माने शिफ्ट हे जाउ छै किंतु जत्ते बेले बाईगणी कि बाईगणी पाखा पाखी रंगर साड़ी ऊपर मो नजर पडिबो ता परे सेटी दृष्टिटा अटकी जाउ छै कहीं की दृष्टि कहीं इतने बड़े साड़ी ऊपर अटकिला नहीं बाईगणी रंगर साड़ी ऊपर अटकिला तो मोर इंटरेस्ट बाईगणी रंगर साड़ी नबारे अच्छे ठीक सेमिति मनीषर जो जगह रे रुचि थाए ता मन सेही पाखरे ही लागि जाए सेही ही अटकी जाए मोर रुचि भगवान के पाखरे अच्छे ताले मोर मन भगवान के पाखरे ही अटकिबो किंतु आजि मनीष बहुत भौतिक वस्तु रे निजर रुचि रखुचे सत किंतु जेतिके रुचि भगवान के प्रति रहिबा उचित सेटा नाही तेनु तेनु आमे डिस्ट्रैक्शन हे जाउ छी हमर मुर्त मुर्त के आमे मन लगे डिस्ट्रैक्ट हो छी ए जिंस मन पलन त से संग मन पलन त से काम मन पलन त काम रे रुचि छी संग रे रुचि छी जिंस रे रुचि छी भगवान कडी रुचि नाही भगवान को आमे सेतिके इम्पोर्टेंस दउने अलगा काम को जेतिके इम्पोर्टेंस दउ छी आके रुद्र सर्वाधिक रुचि सबुठ अधिक इंटरेस्ट मोर भगवान कटी अछि ताले भगवान ही ऑटोमेटिकली माने पड़िबे डिस्ट्रैक्शन हे परिबनी भगवान ही ऑटोमेटिकली माने पड़िबे तिनो भगवान को अंतरर गभीरतम प्रदेश रु हमकु भलो पाइबाकु पड़ी पड़ी भलो एमिति पाइ जाय नी कि एकहाकु भलो पाइबा पई भगवान कर गुण भगवान कर महिमा मु जो जीवन लाभ करै छी मते जहा किछि मिलि छी सेथिरे भगवान कर कोन अवदान रहै छी ताकु बुझबा पड़िबो मुझे दी पादे पादे अनुभव करछी मु जीवन रे जहा किछि पाइ छी सब भगवान को पाइ भगवान को अवदान मु भूली पारिबी प्रश्न उठुनी मुझे दी पादे पादे अनुभव करूची जे मो भितरे जो कला जो गुण जो क्षमता अछि ए सब भगवान ही भरि चंती मु तांको प्रति कृतज्ञ नहि रही पारिबी प्रश्न उठुनी मु जदि भगवान कर असीम गुण असीम महिमा को मने मने स्मरण करी परुची मु भगवान को भूली पारिबी बा मु जे भगवान को भलो न पाइबी एटा असंभव किंतु आमर लोकंक विषय रे भाबिबाकु जिंस विषय रे भाबिबाकु केमिति वैभव जोगाडीबी से सब भाबिबाकु समय अछि किंतु भगवान को विषय रे भाबिबाकु आम पाखरे समय नै तेनु प्रथमे आमे जदि भगवान को भलो पाइबा ताहाले आमे तांको स्नेह रे तांको स्मृति रे निज को हजे दे परिबा आ सेई हजे दबारे रहिछि प्रकृत सुख आ आनंद सेति पे जोगी मानकर ना सहित आनंद शब्द को जड़ा जाय थाए शिवानंद
सच्चिदानंद जोगानंद कहीं जोग ही गोटे मात्र साधना बा मन को जिते बेले आमे भगवान का सहित जोड़ुचे सेते बेले ही आमे प्रकृत आनंद अनुभूति करि परिबा आ जोठी आनंद अनुभूति होची जोठी आंतरिक सुखर अनुभूति होची सेठी आपण जदि 10 मिनिट अभ्यास करिया पई बसचंदी आपण को मन हबो आउ टिके बसंती की आउ टिके अनुभूति रे निजगु हजे दियंती की तनो जोटा आमे 10 मिनिट बसे के भारी लागुची जे कुवाडू किछि होउनी बस जेसी ना भगवान को पखरे ध्यान लगे मन तो जमा लगुनी लाभ किसी ना से उल्टा हो दस मिनिट समय बर बहुत कम लगे लगे जदि अधिक समय डिभोट कर बहुत भल हाँ बहुत उपकृत हम मन भी भल रहा चतुर्थ हूँ प्राप्ति जे जदि आम भगवान को मन पकोचे मन को भगवान सहित जोड़ुचे मिल कौन कदि किसी प्राप्ति ना जदि मन पक कौन से लाभ ना ताले मने पकेया पे ते कष्ट करिवर भी किछि फायदा नै माने नै किछि ताले कोन मिले भगवान को किंतु जत्ते बेले के केत्ते बेले पचारनी जे भगवान को मने पकेले भूनी कोन प्राप्ति होबो बा कोन मिलिबो मो मन रे आसे जे भगवान को मने पकेले कोन बा न मिलिबो भगवान जेतु सर्वशक्ति सर्वगुणर अनंत भंडार तांको मने पकेले सबु किछि मिलि परिबो दैनंदिन जीवन रे जने साधारण व्यक्ति को अष्ट शक्तिर आवश्यकता थाए आमे जेते बेले भगवान को मने पकांती सेते बेले आमर सुप्त सुसुप्त शक्ति जाग्रत हो जाए अंतर्निहित शक्ति विकसित हो जाए बा ए अष्ट शक्ति आम भितरे डेवलप हो जाए आ जो अष्ट शक्ति को लेके आमे प्रत्येक परिस्थिति को सुंदर भाव रे सामना करि परिबा बा ताकु डील करि परिबा से अष्ट शक्ति होची परखिबार शक्ति जोटा को विस्तृत भाव में परिचर्चा करिबा मुझे परखी न पारली को लोक केमितिका ताले मु मिसगाइडेड हबार संभावना अच्छे तेणु मोर परखिबा शक्ति रहिबा दरकार जोटा योग साधना द्वारा ही आम भीतर डेवलप होता है निर्णय करिबार शक्ति अनेक समय रे आमे द्वंद्वरे थांदे जीवी ना जीवी ए कामटा करिबी ना सठिक निर्णय न नहीं पारिबी ताहले काम ठीक रे करि परिबिनी तेणु जीवन रे काम ठीक रे करिबा पे निर्णय भी ठीक रे नहीं पारिबा दरकार आ निर्णय करिबार शक्ति हमरो योगाभ्यास द्वारा बढ़ी जाए कारण मन भगवान कोठी लागि जाए तेणु आमे हमरो निर्णय को सही स्तर रे नहीं पारंती जे मु ए जो कामटा करबा को जाउ छी ए कामटा भगवान को भलो लागिबो बा नहीं ताले भगवान को मन पक द्वारा आम तुम्हारे जो अष्टशक्ति प्राप्ति होचे से अष्टशक्ति आम सांगे रे आम मैंने दैनंदिन जीवन में भले जीवन जापन करजयोग विषय आमको ये कहले गोटे सेन्टेन्स गोटे वाक्य दर्शक मान कहु राजयोग मैंने कौन बुझुचु राजयोग जदि संज्ञा गोटे वाक्य कहवाक चाहे कहीपर जे निज को देह सहित देहर सबु संबंध को भूली निज को आत्मस्थित स्थित करे बुद्धि रे परमात्मा को स्नेहरे मने पकेबा ही राजयोग देह सहित देहर समस्त संपर्क को भूली भूलीबा निजे आत्मा बोली भाबीबा आज्ञा परमात्मा को स्नेहरे मने पकेबा एई तीनटा जदि हेला ताहले आमे कहिबा राजयोग इन ए फुल सेंस लवफुल कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विथ सुप्रीम लाइट आत्मार परमात्मा सहित गोटे स्नेहपूर्ण संबंध आत्मार परमात्मा सहित मधुर मिलन से राजयोग आमे आत्मा बोली निजक भाभी भगवान को स्नेह मन पकेबा से हूँ राजयोग भूनी मत ये मो मन गोटे प्रश्न आसुचे आम जितेबले प्रार्थना करुचु आम भी भगवान को मन पकाचु कि आम प्रार्थना को रिसाइट मैंने आवृत्ति करुचु प्रार्थना आवृत्ति करी आम भगवान को मन पकवा चेष्टा करु आपण कौन वर्तमान जो राजयोग राजयोग कौन आत्मा परमात्मा सांगे लवफुल कम्युनिकेशन प्रार्थना और राजयोग भीतर तफात ताले कौन
ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ, ଆପଣ ଦୟାର ସାଗର, ଆପଣ କ୍ଷମାର ସାଗର, ଆପଣ ଅମକ, ଆପଣ ସମକ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ 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 ମହିମା କରୁଛେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରଖୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଏମିତିକା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହୀନ ସ୍ତରରେ ରଖୁଛେ, ମୁଁ ନିଚ, ମୁଁ କାମି, ମୁଁ କପଟି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ତଳେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ କରିଦେଉଛେ, ବହୁତ ବଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଅନ୍ତର ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ତଫାତଟା ବହୁତ ଅଧିକ, ମୁଁ ସେଇଠି କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଇପାରିବି କି ବା ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରିବି କି। ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଅନ, ସେ ପିଅନ କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ହେଇପାରିବ କି, ମିଳାମିଶା କରିପାରିବ କି? କଦାପି କରିପାରିବନି। ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଖାଇବେ, କି ଆପଣ ସାର୍ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ପିଅନ କହିପାରିବ କି ସେ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ? କଦାପି କହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରଖିଲେ, ନିଜକୁ ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରଖିଲେ, ଆମେ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ବହୁତ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ବଦଳରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ମାଗନ୍ତି, ଏଇଆ ଦିଅ, ସେଇଆ ଦିଅ, ଏଇଟା କରିଦିଅ, ସେଇଟା କରିଦିଅ, ମୋର ଏ କଥା ଶୁଣ, ସେ କଥା ଶୁଣ, ଆମେ ମାଗିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଡିପ୍ଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋର ପିତା ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଯଦି ଆସିବ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ଦେବେ? ଦେଇଦେଇ ଟଙ୍କାଟେ, କି କୋଉଦିନ ଯଦି ମନ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ 100 ଟଙ୍କିଆଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯା, ଏଇନା ପଇସା ନାହିଁ, କାଲି ଆସିବୁ ନବୁ ଯା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିବ, ପୁଅ କହିବ ବାପା 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? 10 ଟଙ୍କା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ 100 ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ତୋର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଯାହା ଫେରେଇଦେବୁ ନହେଲେ ରଖିଦେବୁ। କାହିଁକି ପାର୍ଥକ୍ୟ? କାହିଁକି ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗେ, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସେ ପିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଫରକ ରହିଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ କମ, ପୁତ୍ର କ୍ଲେମ କରୁଛି, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ବାପାର ସେଇଟା ମୋର। ପୁଅ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ବାପା ଘର, ଏଇଟା ବାପାଙ୍କ ଘର କହୁନି, ପୁଅ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଘର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ନିଜକୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ତା ମୋର, ସିଏ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ତ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମୁଁ ବି ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ସେ ଶକ୍ତିର ସାଗର ତ ମୁଁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ସେ ସବୁ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି, ରାଜଯୋଗରେ ଆମେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁନେ। ସତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବଢୁଛି, ସେତେବେଳେ ପିଲା କଣ ମାଗୁଛି କି, ମୋର 2ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆଉ 2ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ପଡିବ ବୋଲି? ବାପା ମା ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 2ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆଉ 2ଟା ନେଇ ଆସିବା। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ବାପା ମା ପିଲାର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ମୋର ପିତା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେୟାର ଫ୍ରି, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧାୟମାନ। ତେଣୁ ମୋର ବଦର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛେ, ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଗଲି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେୟାର କଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ, କେତେବେଳେ ପ୍ରେୟାର କଲାବେଳେ ଆମେ ତମାମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛେ, ମୋର ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେନି, ମୋର ଏଇଟା କରେଇଦେଲେନି, ମୋର ସେଇଟା କରେଇଦେଲେନି, ସେଇଟା ବି ଆମେ କରୁଛେ, ବେଶୀ କରୁଛେ। ତାପରେ ମାଗିବା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ହଉ ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆମର ଯାହା କହିବା କଥା ଆମେ କହିଯାଉଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ, କି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମାଗୁଛେ, କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ପେଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଉଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ, ଇଟ୍ସ ଏ ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ।
किंतु योग राजयोग होचे टू वे कम्युनिकेशन। आमे जहाँ कम्युनिकेट करिबा कथा जहाँ कहिबा कथा आमे भगवान को कहुचे एंड इन टर्न सी जहाँ कहुचने आमे ताको सुनुचे। कारण राजयोग गोटे विधि जो विधि रे आमे बिल्कुल साइलेंस रे बसु परिवेश जेमितिका भी होना कहेंगे आमे प्रयास करू आम मन को नीरव रखिबा पई। तेणु जे गोटे कोलाहलपूर्ण परिवेश रे योग साधना करी हबनी ता नुहे। बाह्य नीरवता अपेक्षा अधिक इम्पोर्टेंट होची मनर नीरवता। तेणु जेतेबेले आमे आमे मन को साइलेंट करि दउचे मन आमर संपूर्ण भाव रे स्थिर शांत हो जाए सेतेबेले आमे तो जहा कहिबा कथा कहि देले ता सहित भगवान आमको कोन कहिबा को चाहुचंती आमे ताको मध्य सुनि पारंती। मोर असुविधा टे हला मो पुत्र रूप से किंवा मो सांग रूप से दरकार पड़े मोर गोटे बहुत भल सांग मोर सजेसन दरकार मो सांग को पचारूँ जे देख मोर असुविधा है तू मत कह कौन करने को पड़ो ठीक सेमती मु भगवान को सांग रूप से आखि आगे रखी मु भगवान को पचारूँ मोर असुविधा है बता मत कौन हाँ मो मन शांत नीरव मु मोर लॉजिक किंवा मु मोर आउ डिसीजन मेकिंग पावर को यूज करूनी मु अपेक्षा करछु मो सांग मते कौन कहिबो आ जत्ते बेले से नीरव स्थिति रे आमे रहुचे आमे भगवान कर कथा को भी स्पष्ट भाव रे बुझी पार जे जे परमात्मा मते एया कहुचे आदेश दउछन कि उपदेश अकॉर्डिंगली आमे वर्क आउट करुचे। तनु एक तरफा कथा वार्ता हबा आ कहिला परे तांकट उत्तर पाइबा दिटा भीतर बहुत पार्थक्य रहिचे। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन राजयोग आज्ञा आज्ञा आ प्रार्थना हला वन वे कम्युनिकेशन आज्ञा। दर्शक बंधु आमे आज भौणी कटर शुणिले राजयोगर संज्ञा कौन राजयोग आ प्रार्थना भितर तफात कौन आम मान भितर जो भ्रांत धारणा थिला जे प्रार्थना और राजयोग एका प्रकृति से नुहे। राजयोग है टू वे कम्युनिकेशन भगवान संगे आमर जो कम्युनिकेशन किंतु प्रार्थना है वन वे कम्युनिकेशन केवल आम मानकर ही कम्युनिकेशन भगवान ठारु आमे किछि कम्युनिकेशन पाउना है। वर्तमान आमे आमर जो ब्रह्मा कुमार भाई अछंती तांक ठारु अनुभूति सुनिबा। 1985 मसीहा रे ब्रह्मा कुमार गोपबंधु जे कि कटक मेडिकल कॉलेज रे पढ़ुथिले एवं आमे एकाठी काम करथिबा दुई जन इंजीनियर जो माने कि ब्रह्मा कुमार ये आश्रम सहित संपृक्त से माने मते प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केतेक लिटरेचर दले एवं मु ब्रह्मा कुमारी सह सहयोगी हेली। 2001 अगस्त 4 मसीहा रे संपूर्ण भाव रे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छात्र होईछि। सेठारे लक्ष्य कली जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष रे छोट पिला 10-12 वर्ष बयस ठारु आरंभ करी 80 वर्षर समस्ते एकाठी पढ़ुचंती मुँ मध्य सेथिरे भाग नेली। मते विशेष भावरे भल लागिला भौणी माने विभिन्न काम घर पछाठ आरंभ करी कार चलेबा पर्यंत एवं निजर बाबा को संपर्क रे ज्ञान देवा कथा करुचंती। भाई माने घर भंगा इटा बहिबाठ आरंभ करी बाबा को ज्ञान एवं अन्यान्य ज्ञान दउचंती मते ताहा बहुत बहुत भल लागिला। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय सुख शांति भवन को जे आसीबो से जानिबो बाबा किए केमि चलिबा दरकार जीवन साधारण नुहे यहाँ असाधारण ताको किमिति चलिबा पड़िबो से माने सिखाइबे एवं मु मध्य बाबांगर संतान भाबरे सबुठारे प्रकाश करूची मु 2001 मसीहा रु 2014 मसीहा पर्यंत बाबांगर ज्ञान जेते दूर पारुची समस्तंकु कहूची आलोकित करू से मानकु एवं नीतिनिष्ठ भाबरे बाबांगर ज्ञान मु पालन करूची। 1985 मसीहा रे आरंभ होईथिबा ब्रह्मा कुमार गोपबंधु वर्तमान
प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एम के सी जी मेडिकल आनाटमी डिपार्टमेंट मु बेले बेले कथबार्ता करे जो दुई इंजीनियर भाई मत एठाक आसवाक बहुत चेष्टा कराइले मुझे मोर निजर कृतज्ञता जनाऊँगी मु कृतज्ञता जनाऊँगी भगवान पाखे बाबा पाखे शिव पाखे ब्रह्मा पाखे एवं कृतज्ञता जनाऊँगी दादी प्रकाश मणिजी निर्भर भाई एवं दादी जानकी ओम शांति। आज कार्यक्रम को ये रखा पुणी देखा हाब आगामी अध्याय रे। ओम शांति ओम शांति। आज अध्याय आपण मानक लगला निश्चय जनइबे। आमर ठिकना है